हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो शाम के 4 बजने वाले हैं और यहाँ मूर्ति तैयार हो चुकी है। तो बस हमने ले लिया है गत्ते और उस पर हमने ड्रॉ कर दी है स्क्रैच मूर्ति का। तो जैसी मूर्ति दिख रही है सेम वैसी ही हमें स्क्रैच बना लेना है एंड बना करके हमें उसको अच्छे से कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने दोनों ड्रॉ कर ली हैं और अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें ये देखिए दोनों पीस तैयार हैं। कट करने के बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे वर्क करना। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक तार। तार थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए क्योंकि हमें इसे पीछे सेट करना है जब हम इसे खड़े करेंगे तो उसमें बैलेंस देने के लिए। अब ये तार मैंने ग्लू गन से सेट कर दिया है। अब मैंने यहाँ लिया है व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट से क्ले तैयार कर ली थी, बस उसी को पूरा सेट कर देना है। पूरे गत्ते में चारों तरफ मूर्ति का शेप देते हुए थोड़ा थोड़ा मोटा करते हुए हमें सेट कर लेनी है। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे क्योंकि सारा वर्क हम इसके ऊपर से क्ले करेंगे। तो बॉडी को अभी और उभारने के लिए हमने यहाँ क्ले ले ली है और अच्छे से बेल के उसको सेट कर देनी है ऊपर से। हमने व्हाइट सीमेंट को पूरा कवर कर दिया है क्ले से और एकदम चिकना और स्मूथ सा हमें पूरा बॉडी बना लेना है। तो बस मूर्ति थोड़ी मोटी भी हो जाएगी, एकदम सेफ आ जाएगा बॉडी का थोड़ा सा मोटा लुक का। तो आप देख रहे हैं सारी ड्रेस जो आपको पहनानी है, जैसे भी आपको ड्रेस का डिज़ाइन रखना है उसी हिसाब से आप क्ले से बेल बेल के डिज़ाइन कर दीजिए। तो देखिए, हमने लहंगा कुछ ऐसे बनाए हैं। तो कुछ चुन्नटें हमने बना ली हैं, ऐसे कुछ डिज़ाइन बना लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसी बनानी है तो सेम ऐसे बना सकते हैं। तो भाई, मुझे सोचने में बहुत टाइम लगा है कैसे बनाना है कैसे बनाना है, बट मेरा चैलेंज था कि मुझे ये बनानी है मूर्ति और मैं सच में मूर्ति भी बना सकती हूँ। तो मैंने मूर्ति भी बना ली। अब मुझे आइडिया लग गया, दोबारा जब मुझे बनाना पड़ेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगी। तो ये देखिए, बातों बातों में सारी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो आप देख रहे हैं लहंगा कितना सुंदर है, कितना फ्लेयरी है, कितने उसमें फ्लेयर हैं। और ये देखिए, ऊपर से हमने डिज़ाइन भी बना ली और डेकोरेशन हमने कर लिया। तो कितनी सुंदर बनके अभी ही तैयार हो गई और बाद में कितनी सुंदर बनी है, खैर वो तो आपने देख ही लिया है। तो बस कुछ फ्लावर्स, कुछ पैच बना लेंगे। मेरे पास यहाँ टूल्स नहीं है, मैं घर में टूल्स रखती नहीं हूँ, मतलब कि मैंने ख़रीदे ही नहीं क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी पेन, कभी स्केच, कभी कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना कि बस टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखिए, अब हम दूसरी मूर्ति को तैयार कर देंगे। तो हमने यहाँ बेल लिया है, अब हम इसकी स्कर्ट मतलब कि लहंगा को बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पट्टियाँ कट कर ली और उसको लहंगा बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसे लहंगा हमने पहले वाला भी बनाया था और सेम हमने दूसरा भी ऐसे ही चुन्नट उसमें डाली है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब सिंपल है, ऐसे कुछ नहीं है कि ये बनाने में इतना परेशानी होगी, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा तो बहुत ही आसानी से बना लोगे। हाँ, जब तक आइडिया नहीं होगा तो बहुत दिमाग खर्च होगा कि इसे कैसे बनाने हैं। और मैंने जैसे देखी थी मार्केट में 2200 की, ऑनलाइन ही देखी थी, आपको वीडियो भी शॉर्ट में हमने शेयर किया हुआ था। तो बस ऐसे ही कुछ हमने बना करके तैयार कर ली घर पे और बहुत ही लो बजट में, और देखिए कितनी सुंदर बन के तैयार हुई। तो आप सभी लोगों से एक मेरी शिकायत है और रिक्वेस्ट भी है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अच्छे से वॉच नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो कुछ भी नहीं करते। क्या इतनी मेहनत करने के बाद आपको सच में ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए? तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, देख के अवॉइड मत करिए और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये देखिए, अब मेरे हाथों पे आ गई है, मैं कितनी खुश हूँ अपनी ये उपलब्धि जो हासिल की ना मूर्ति बनाने की। तो अब ये देखिए, दूसरी वाली भी हम तैयार कर लेंगे। तो कुछ डेकोरेशन कर लेने हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मूर्ति कैसी है। तो इसमें जो ब्लैक कलर दिया गया है पूरी मूर्ति में, मतलब कि पूरी बॉडी में, एंड कपड़े जो हैं सिर्फ उन्हीं में कलर दिया गया है मल्टी कलर, तो बस कुछ वैसे ही बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने उनके हाथों पे कड़े, चूड़ी, कंगन जितना है सब पहना देना है, सारी ज्वेलरी उनको पहना के सेट कर देनी है। और मेरे पास ब्लैक कलर का स्प्रे पड़ा हुआ था। आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई कि जैसे ही मैंने मूर्ति बनाई और मैंने छोटे छोटे पार्ट डाले हुए थे कि मैं इतना बना चुकी हूँ, तभी से मतलब मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उसका एक
आ गया ऑर्डर कि आपको मुझे एक मूर्ति देनी पड़ेगी। फिर मैंने एक मूर्ति दे दी उनकी चॉइस के अनुसार कलर करते हुए। तो ये देखिए, हमें स्टैंड बनाने के लिए हमने ढक्कन लिया, इसमें होल किया है और इसका पैर घुसेर दिया तार के साथ, जो तार था ना उसको भी, ताकि वो नीचे तक आए तार, तो पैर और तार दोनों कवर कर देंगे क्ले से। क्ले बहुत जल्दी और एकदम मतलब बहुत अच्छे से सेट होके हार्ड हो जाती है। तो करीब 10 मिनट तक मैंने हाथ में इस पर होल्ड करके रखा और ये हार्ड हो गया और मैंने इस पर ऊपर स्प्रे कर दिया। तो इस पर मेरे पास पड़े थे, आप कलर भी कर सकते हो, फेब्रिकल कलर चाहो तो कर सकते हो, बट मैंने सोचा स्प्रे ही कर देती हूँ फटाफट। और ये इतना हार्ड हो गया कि मैं इसको अच्छे से रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मूर्ति मुझे देनी पड़ी, तो फिर मैंने रिसेंटली दूसरी मूर्ति तैयार कर ली, क्योंकि मैंने एक बना रखी थी, तो मतलब पहले से ये बना रखी थी, तो मुझे जल्दी बनाने का आइडिया हो गया और मैंने बना लिया। अब यहाँ देखिए पैर बना करके सेट कर लेंगे, तो बीच बीच में आप मेरी बकबक भी सुन रहे होंगे और डिज़ाइन भी देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। इतने दिन से आप सुन रहे हैं तो आदत तो पड़ ही गई होगी, पर क्या करूँ, मेरी आदत नहीं पड़ी बकबक कम करने की। मुझे तो जितना बोलना होगा ना कम ही लगता है। अभी और बता देती हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ये देखिए, अब हमने ले ली क्ले और उसको बेल के पीछे से मैं चुन्नी डालूँगी इसके ऊपर, तो बस उसको बराबर चारों तरफ से कट कर लेना है। तो ऊपर देखिए मैंने नुकीला रखा है और नीचे चौड़ा, तो क्योंकि नीचे फ्लेयर रुक देना है। तो अभी मैंने यहाँ कागज़ ले लिए है, उसको फेविकोल डाल के तोड़ मरोड़ के ऐसे उसमें सेट कर लेना है। तो पीछे का साइड जो है, जब मैं डालूँगी उस पर चुन्नी, तो फिर वो उभार वाला लुक आएगा और एकदम फ्लैट बॉडी पे नहीं पड़ेगी, उभरी हुई सी आएगी। तो बस ऐसे ही हमें डाल के सेट कर लेना है और तैयार कर देना है। तो ये देखिए, हमने नीचे जो ढक्कन में स्टैंड बनाया था उसको हमने अच्छे से बना लिया है, कवर कर लिया है एक लोटस के रूप में। तो मैंने इसमें कमल का लुक दे दिया पंखुड़ी लगा करके, एंड इसको कलर करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि कमल का जो स्टैंड है या कमल का कोई होता नहीं, जैसे पुराने ज़माने गाना में ना वो ढपली वाले में बड़ी बड़ी ढपली में कमल खिला हुआ जैसा, और उसमें मतलब कि डांस करते हुए कुछ ऐसा ही लुक दिया हमने। तो बस वैसे ही स्टैंड का लुक दे दिया है एंड पूरी बनके तैयार हुई। और मैंने बोला था ना कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो आपको एक वीडियो में मैंने शॉर्ट में डाला भी था कि एक तो मेरी चली गई पहले ही, फिर दूसरी मैंने बनाई तो उसको तैयार करके फिर मैंने डाली, और ये जो मैंने बनाई है इसको मुझे देनी है दूसरी को, सिंगल पीस ही थी। तो उन्होंने बोला सिंगल ही चाहिए, कलर कुछ ऐसा चाहिए, तो बस मैंने उनके अकॉर्डिंग कलर कर दिया मल्टी कलर और उन्हें दे दिया। ये भी कलर आप देख सकते हो, अच्छा लगे तो ऐसा भी कर सकते हो, तो ये भी एक आइडिया है। दूसरा कलर हमने पूरा एक ही कलर का स्कर्ट कर लिया है एंड उसमें डिज़ाइन बना ली है छोटी छोटी डॉट डॉट देते हुए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया, अब इसके ऊपर मैं स्पार्कल पिंक करूँगी एक कोट, तो रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन का कलर बन के उभलेगा। तो अब यहाँ ब्लाउज़ वगैरह बाकी सब चीज़ें हमें कलर कर लेनी हैं, तो बस बढ़िया सुंदर सी मूर्ति बनके तैयार हो जाएगी। और लास्ट में इसमें वार्निश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एकदम बहुत ही सिमरी एकदम कांच के जैसा ग्लासी लुक आके तैयार होगा और बहुत ही प्यारी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए, 2200 की मूर्ति जो ऑनलाइन थी जिसका रेट था, मैंने उसे घर पे बना लिया, कितनी बड़ी बात है ना। तो सच में मुझे भी कभी कभी गर्व होता है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेती हूँ, खुद पर भरोसा नहीं होता बट मैं कर जाती हूँ। तो बस आपको भी अवॉइड नहीं करना है, और इनाम के तौर पर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके ही जाएगा, और शेयर भी प्लीज़। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई इतनी अच्छी चीज़ें मैं बना रही हूँ तो एक कमेंट तो कर दीजिए ना, कैसे लगी आपको, इतना तो बता ही देंगे। सामने वाला आपसे मतलब आशाएं रखता है कि आप देख रहे हो, आपने देखी ये डिज़ाइन, और विदाउट कमेंट किए मतलब कमेंट नहीं करते चले जाते हैं, कैसे जा सकते हैं आप, आपको लगता नहीं कि इसने इतनी मेहनत की है, तो एक कमेंट और लाइक करके जाऊं भाई, और शेयर भी कर दूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। तो ये देखिए पिंक कलर आप कितना प्यारा उभर के तैयार हुआ है, और हमने उस पर वाइट कलर के डॉट डॉट कर दिए हैं एंड इसके ऊपर हम वार्निश कर देंगे, और नीचे हमने गोल्डन स्प्रे कलर कर दिया है।
तो आपने देखा ही है कि गोल्डन इस पर कलर कर दिया और वो इतना गोल्ड आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सोने का कमल है, और पैर भी उसके बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो जब बच्चों ने देखा बोला मम्मी वाह ये तो बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है। तो मुझे भी लग रहा था, मैं अपनी पीठ थपथपा ही लेती हूँ, बाकी कोई तो नहीं थपथपा रहा, आप लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम मैं ही कर लेती हूँ। तो आप देखिए ना कितनी सुंदर मूर्ति बन के तैयार हुई, सच में वाकई आपका दिल नहीं पसीजता कि मतलब इतनी सुंदर मूर्ति है तो लाइक और कमेंट करके ही जाएँ। भाई क्यों अवॉइड करते हैं ना, करके जाइए। तो प्लीज़ सभी लोग को कहती हूँ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने पहचान वालों को प्लीज़ भाइयों बहनों शेयर करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ रिक्वेस्ट समझिए, ऑर्डर समझिए, या एक फ्रेंड की मतलब क्या बोलते हैं इच्छा समझिए, तो प्लीज़ कर दीजिए ना, तो शेयर प्लीज़ करिए। और ये देखिए सोने का बिल्कुल कमल बनके तैयार हो गया, और कितनी सुंदर मूर्ति बनी है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी ये बात भी सही है, बट आप लोग अवॉइड करने के लिए भले ही कुछ भी बोल दो। और मैं चलती हूँ फाइनली, और सबसे बड़ी बात ये है जो कि बुरी भी है और अच्छी भी है, कि मैंने जैसे बनाया तो मेरी एक फ्रेंड ने देखा तो उसने इसको ले लिया, अब मैं इसको दे दी हूँ, मतलब फ्री में नहीं दी, पैसे पूरे लिए हैं मैंने इसके, तो ये उनको दे दिया। मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई, और काफ़ी बड़ी साइज़ की है, करीब 1.5 बीते की, मतलब कि मैं अगर कहूँ आपसे तो 1 फुट से ज़्यादा, तो करीब 14 से 15 इंच का हाइट होगा, तो काफ़ी बड़े साइज़ की है और बहुत ही प्यारी आपके सामने से है, तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कह रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बताते नहीं हो कमेंट करके, भले ही आपको फील होता है बट कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, और शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज़ करिए दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, कुछ नया लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।